अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ईद मुबारक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे दोनों बकरे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी। गाय की कुर्बानी हो गई है, बस ये दो बेचारे रह गए। आपस में बोर हो रहे हैं, बात ही कर रहे होंगे कि तुम्हारी बारी पहले आएगी, मेरी बारी पहले आएगी। तो आप लोग दिख रही है मेरा व्लॉग, आगे क्या क्या आता है। कौन सी वाली ले पकड़े? आप ही पकड़े। मैं ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा हाथ ही रखूंगा। चलो तो गोश्त अंदर आ गया है और गोश्त जो है फिर हम लोग एक एक करके मतलब पोषण बना के रख रहे हैं कि किसको कितना देना है, किसको कितना जाएगा, तो ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं जो है लेके अपना टिक्का बोटी मसाला लगाने जा रही हूँ। थोड़ी चर्बी भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये मैंने बोटियाँ ले ली हैं बीफ की, कोई 2 किलो के बराबर है। मैं इसके ना मसाला लगाऊँगी शान का टिक्का बोटी का, और लेमन जूस वगैरह भी रखा है मैंने इसके अंदर। और ये मैंने मसाला लगा दिया, मैरिनेट करके मैं रख रही हूँ इसको, ताकि ये अच्छा है कि जितनी देर तक मैरिनेट रहता है उतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मैरिनेट हो गया है। और यहाँ पे और गोश्त आ गया है। अब हम लोग और इसके पैकेट्स बनाएंगे रखेंगे। माशाल्लाह से गोश्त बहुत है और ये पैकेट्स बने रखे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब जगह। तो ये इस तरह से हमने पैकेट्स बना के रख दिए, नाम लिख दिए इसके ऊपर ताकि आसानी रहे। और ये हमारे हाथ में है हमारे बकरे का दिल, और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्या है। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी, बकरे की कलेजी। बकरे की कलेजी आ गई, इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। कुकर के अंदर मैंने प्याज ब्राउन करने रख दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। बेसिकली मैं बना रही हूँ कलेजी की कढ़ाई। तो कलेजी की कढ़ाई के लिए मैंने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उसके क्यूब्स नहीं किए, इसको बड़े बड़े टुकड़े ही रखे हैं इसके, ताकि जो है कढ़ाई वाला लुक आए, कटाकट वाला लुक ना आए। तो ये हो जाएगा अच्छे तरीके से, मसाला भुन जाएगा। तो मैं फिर इसके सारे मसाले डालूंगी, वही मसाले होंगे पुराने, नमक मिर्च हल्दी धनिया चाट मसाला ऐड कर दूंगी, कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी, और ये अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। तो आप लोग किस तरीके से खाना पसंद करते हैं कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कढ़ाई की शक्ल में पसंद करते हैं या कटाकट की शक्ल में पसंद करते हैं, सालन की शक्ल में पसंद करते हैं। इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से भून रही हूँ। देखिए कलर चेंज हो गया, इतना भुना है मैंने। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी थोड़ी सी ऐड कर दूँगी, अब कुकर बंद करके इसको चढ़ा दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। और ये कि ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ज़्यादा रखते ही रखेंगे तो सख्त हो जाती है। तो बस, और दूसरी तरफ अब मैंने बनाना शुरू कर दी है। रात में बारबेक्यू है तो फिर उसके लिए चटनी ही बनानी है और सॉस भी बनाना है। तो पहले बना रही हूँ गार्लिक सॉस। गार्लिक सॉस के लिए मैंने कोई 1 कप के बराबर जो है दही ले लिया, इसको अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। अरीश जो है मेरी गोद में चढ़ी हुई है, वो मैं जब भी कोई काम कर रही होती तो ये मेरे साथ साथ ही होती है, और अरीश की ज़िद थी कि वो भी मेरे साथ काम करवाएंगी, तो वो अपनी इज्जत पूरी कर रही है। मैं अब खैर इसके अंदर योगर्ट के अंदर मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। मैंने कोई 1.5 कप योगर्ट लिया तो 1.5 कप के बराबर ही मैं मेयोनीज़ ले रही हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूँगी निचोड़ के सारी मेयोनीज़, और फिर हम आगे का करें। जब हम मिक्स कर लेंगे मेयोनीज़ और दही को, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन है और पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को आप ग्रेट करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। मेरे पास ये पाउडर था तो मैंने पाउडर ऐड कर दिया, कोई 1/2 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाउडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस ये मैंने ऐड कर दिया है, और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो है योगर्ट और मेयोनीज़ के अंदर गार्लिक पाउडर अच्छी से ऐड हो जाए। और फिर आप मैं इसके अंदर चुटकी बराबर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूँगी, ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी, लहसुन पाउडर में भी सॉल्ट होता है। तो आप इसको अरीश जो है मिक्स कर रही हैं। हो गया मिक्स। हेलो कर दो अरीश ऐसे। हेलो हेलो
नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ही 1/4 टीस्पून के बराबर मिक्स कर दूंगी। और ये हमारा गार्लिक सॉस झटपट तैयार है। इस पर सजाने के लिए मैंने पुदीना रखा ही है, पर अरीश ने इसको वो भी बिगाड़ दिया है। बड़ी आसान रेसिपी। अब दूसरी तरफ मैं तैयार कर रही हूँ हरी चटनी बारबेक्यू के लिए, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है। तो अब मैं इसके अंदर पुदीना, मैंने हैंडफुल ऑफ पुदीना ऐड किया है, और फिर उसके अंदर मैं कोई 5 से 6 जो है वो हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हरा धनिया ऐड करूँगी 1 हैंडफुल, और फिर उसके अंदर लहसुन की जवे जो है वो कोई 6-7 जवे ऐड कर दूँगी। अरे शकीरा भी रखा हुआ है साथ में, और मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ कोई 1.5 टीस्पून के बराबर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बड़े अगर ज़ीरा पाउडर भी होता है लोग ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। फिर नमक ऐड करूँगी, कोई नमक ज़्यादा चटनी में ज़्यादा होता है, तो मैंने कोई 1.5 टीस्पून के बराबर नमक लिया है। और फिर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे मेन चीज़ इमली। इमली का पल्प मैंने निकाल लिया था पहले, तो अब मैं इसको इमली के पल्प को भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो इमली में, इमली के बगैर तो मज़ा आता ही नहीं चटनी में, खट्टी मीठी चटनी हो ना। तो मैंने इमली का जो पल्प जो है वो ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसके अंदर ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते तो डाल सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है। कोई 1 टीस्पून के करीब मैंने वो कुटी लाल मिर्च ऐड करी है। और फिर सबसे मेन जो है गुड़, मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में, इमली की चटनी में, इमली और हरी चटनी में। तो मैंने गुड़ इसके अंदर ऐड कर दिया अंदाजन को 1 टेबल स्पून के बराबर। अगर वैसे गुड़ नहीं है तो आप शुगर ऐड कर दें, शुगर नहीं है तो हनी ऐड कर दें। और ये हमारी मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार है, जो कि बारबेक्यू के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये। तो चटनी हमारी रेडी है, दोनों सॉस भी, और ऊपर जब मैं आई हूँ तो देख रही हूँ कि बारबेक्यू का भी सीन ऑन हो गया है। यहाँ पर जो है वो बोटियों को सीखों में लगाया जा रहा था, और दूसरी तरफ जो थे वो कोयला जो है वो जलाया जा रहा था। बस बारबेक्यू ऑन हो जाएगा। बारबेक्यू का तो अलग ही मज़ा होता है, और ईद पर करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे ये जल रहा है, जैसे ही लाल हो जाएगा तो इसको हम टिक्का बोटी सीखना शुरू करेंगे। और ये जो सीखें लगाई थी टिक्का बोटी के, वो रखेंगे, उसको सीखेंगे, और ऐसी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। फिर मेरा व्लॉग होता है यहीं पे एंड। हमारे चिकन टिक्का भी तैयार हो गए, आप लोग भी ज़रूर जाइए ताकि इन्जॉय कीजिए ईद को, और टिक्का वगैरह बनाइए, बारबेक्यू कीजिए। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा, फिर इन्जॉय कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उसको सपोर्ट दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।